हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूल। जी हां स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं भौतिकी भाग एक कक्षा 11 NCERT के अध्याय एक भौतिक जगत के NCERT अभ्यास प्रश्न 1.16 पर, यानी कि पाठ एक के 16वें और लास्ट क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इसके पहले के क्वेश्चंस को देखना चाहें तो यहाँ आई बटन में टच करके आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें आपके मन में यह गलत धारणा उत्पन्न कर सकती हैं, विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें आपके मन में यह गलत धारणा उत्पन्न कर सकती हैं कि विज्ञान पढ़ना शुष्क, नीरस और पूर्णतः अत्यंत गंभीर है और वैज्ञानिक भुलक्कड़, अंतर्मुखी यानी कि किसी दूसरे से बात करने में न रुचि रखने वाले और कभी न हंसने वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन विज्ञान तथा वैज्ञानिकों का यह चित्रण पूर्णतः आधारहीन है। अन्य समुदाय के मनुष्यों की भांति वैज्ञानिक भी विनोदी होते हैं तथा बहुत से वैज्ञानिकों ने तो अपने वैज्ञानिक कार्यों को गंभीरता से पूरा करते हुए अत्यंत विनोदी प्रकृति तथा साहसिक कार्य करके अपना जीवन व्यतीत किया है। इनके द्वारा रचित पुस्तकें पढ़ने से आपको आनंद प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप ये ना समझें कि जो भी विज्ञान की पुस्तकें हैं वो नीरस हैं और उनको पढ़ना अरुचिकर है, ऐसी कोई बात नहीं है। और न ही वैज्ञानिक गंभीर, भुलक्कड़ और अंतर्मुखी होते हैं। वास्तव में तो वैज्ञानिक बहुत विनोदी होते हैं और वो स्वभाव में बहुत ही अन्य समुदाय में जैसे मनुष्य होते हैं वैसे वो भी होते हैं, लेकिन हमारी सोच और समझ के अनुसार से हम उनको गलत समझ लेते हैं। इस संदर्भ में बहुत से भारतीय वैज्ञानिक भी आप देख सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, इसके साथ ही साथ आप बहुत से हैं होमी जहांगीर, भाभा और CV रमन। तो ये सब भी बहुत विनोदी प्रकृति के थे, इन्होंने वैज्ञानिक कार्य तो किया ही, साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी काफी उल्लासपूर्ण इन्होंने कार्य किया है। तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन के आंसर को शब्दों में बांधते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वास्तव में विज्ञान तथा वैज्ञानिक दोनों ही रुचिपूर्ण और विनोदी होते हैं। वास्तव में रुचिपूर्ण और विनोदी होते हैं, अतः उनके बारे में, किसके बारे में, विज्ञान तथा वैज्ञानिक दोनों के बारे में शुष्क और अरुचिकर विचार मन में रखना ये अनुचित है। विज्ञान और वैज्ञानिकों के बारे में हम जितनी गहराई से जानते हैं उतनी ही हमारी रुचि जागृत होती जाती है। तो ये जो कह रहे हैं उसी के संदर्भ में ये दिया गया है। कुछ प्रसिद्ध भारतीय विनोदी वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, CV रमन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आदि हैं। तो इस तरह से हम इस प्रश्न के आंसर में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।